गौतम गंभीर के नए हेड कोच बनते हैं। 2025 में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए जारी किया नई नेवेली टीम। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो में इस बार आपका फिर से स्वागत है। 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए गौतम गंभीर ने ऐसे 5 शेरों की एंट्री कराई है, सुनकर पाकिस्तान की टीम के होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने मिलकर किन 15 खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया है अभी हम बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हमें अभी बताएंगे कि 2025 के चैंपियन ट्रॉफी में भारत को कितने मैच खेलने और कितने टीम में, और यह मैच कहां खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, और भारत टीम में कितने मैच खेलने और किस दिन खेला जाएगा इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे। हम बता दें कि 2025 के चैंपियन ट्रॉफी में कुल 15 मैच मुकाबले खेलने हैं, जिसमें से कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि 2017 के चैंपियन ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले थे, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम अमेरिका से नहीं जीत पा रही, तो भारत से क्या जीत पाएगी। 8 साल बाद ICC के प्रमुख टूर्नामेंट में शामिल चैंपियन ट्रॉफी की वापसी हो रही है। पाकिस्तान की मेजबानी में अगले साल फरवरी मार्च में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट के संभावित शेड्यूल की बात करें तो इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। वर्ल्ड कप 2023 के टॉप 8 में रहने वाले भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम इस चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे। इस चैंपियन ट्रॉफी में कुल 15 मुकाबले खेलने होंगे और यह इस मुकाबले में कुल 2 टीमों को 2 ग्रुप बटा है। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश है। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो इंडिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान है। चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के साथ होगा। इसके बाद 20 फरवरी को भारत अपना पहला मैच बांग्लादेश की टीम से खेलेगी। वहीं बात करें 23 फरवरी को भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होना है। पाकिस्तान और ICC ने अभी सभी मैच लाहौर में रखे हैं। फाइनल मुकाबला 9 मार्च को लाहौर में होना है, लेकिन अभी बात पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कि यह मैच कहां खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला हमें लगता है हाइब्रिड मॉडल में यह मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान में खेलने पर हावी कर दिए, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की है। BCCI सरकार से निर्णय ले चुकी है कि हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, तो एशिया कप 2023 की तरह हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी को खेला जाएगा 2025 में। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने क्या टीम की स्क्वाड जारी किया, आइए हम आपको बताते हैं। पहले नंबर पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, संजू सैमसन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं। ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो रोहित शर्मा और सुमन गिल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। बात करें रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा 262 वनडे मैच मुकाबले खेले, जिसमें से 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं रोहित शर्मा, और इसमें जो कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड 256 रन का है। 30 शतक और 55 अर्धशतक लगा चुके हैं अपने वनडे करियर में रोहित शर्मा। और दूसरे ओपनर की बात करें तो आपको दूसरे ओपनर के रूप में आपको गिल खेलते हुए दिखाई नजर आ सकते हैं। बात करें तो गिल की तो गिल भी रोहित की तरह ही खेलते हैं, जो कि 64 वनडे में 1 दोहरा पतक और 6 पतक, 13 अर्धशतक इनके करियर में शामिल है। फिर 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पर आपको किंग कोहली खेलते हुए नजर आ सकते हैं। किंग कोहली को तो आपको पता आएगा, कोहली पाकिस्तान से कई हारे हुए मैच को जिताया है। कोहली कुल 292 मैच खेले हैं, जिसमें से 50 पतक और 70 से ज़्यादा अर्धशतक लगा चुके हैं। वहीं बात करें 13,850 रन प्लस बना चुके हैं विराट कोहली। अभी ODI मैच में अभी बाकी है। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पर आपको KL राहुल विकेट कीपर दिखाई देंगे। KL राहुल की बात करें, KL राहुल भी विराट कोहली की तरह ही खेलते हैं। KL राहुल भी बहुत अच्छी पारी खेलते हैं। फिर 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पर आपको ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा 5 नंबर पर।
फिर वही मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर पर आपको संजय सैमसन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फिर बात करें फिर सूर्य कुमार यादव T20 के एक अच्छे फॉर्मेट बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव भी आपको एक अच्छी पारी खेलते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। वही बात करें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को तो आप जानते हैं। हार्दिक पांड्या 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही अच्छा कोशिश किया था, लेकिन जडेजा ने उनको रन आउट कराकर हार्दिक पांड्या को मैच हरवा दिया था 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में 2000 पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे में हार्दिक पांड्या का बल्ला भी जमकर बोलने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ। रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा 2024 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद अब संन्यास की घोषणा कर दिया है, तो ऐसे में रविंद्र जडेजा आपको एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फिर अक्षर पटेल आपको एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फिर युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे कि दिग्गज की एंट्री हो चुकी है, जैसे में इसको देखकर पाकिस्तान की थर थर कांपने लगी है। बात करें चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, तो 19 तारीख को न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान का पहला मैच का शुरुआत यह कराची में खेला जाएगा। फिर 20 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेज भारत से खेला जाएगा जो कि लाहौर में होगा। 21 फरवरी को अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा। 22 तारीख को ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। 23 फरवरी को न्यूजीलैंड और भारत फिर एक बार भारत 23 तारीख को लाहौर में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। 24 फरवरी की बात की तो 24 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला है। 25 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड से मुकाबला खेला जाएगा। 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से खेला जाएगा। 27 फरवरी को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। वहीं 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान फिर एक बार हाई वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। 2 मार्च को दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम खेलेगी। 5 मार्च को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। 6 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ठीक उसके 3 दिन बाद ही 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक